तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सृष्टि कर्म। जैसे मैं इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि सृष्टि निरूपण जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, यानी कि उत्पत्ति को हम सृष्टि सर्ग भी कहते हैं, कि वो किस प्रकार हुई। और जो पुराणों है, जो अपने सबसे जो प्राचीन ज्ञान का भंडार है, वो वेदों में मिलता है। और वेदों में जो सृष्टि की उत्पत्ति में एक बात बोली कि सबसे पहले अव्यक्त का निर्माण होता है। अव्यक्त का मतलब है जैसे बच्चे की उत्पत्ति होती है, बच्चे को उस समय कुछ भी नहीं पता होता। इसी टाइम जिस दिन सृष्टि में उत्पत्ति हुई थी, तो एक साथ सभी जीवों की उत्पत्ति एक साथ हुई थी। ये सर्वविदित और सब लोग इसको, और आज के जो वैज्ञानिक आधुनिक वो इस मत को भी मानते हैं। तो जिस प्रकार छोटा बच्चा अपनी उत्पत्ति को नहीं समझा सकता, उसी प्रकार जिस समय सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, उसको विभिन्न आचार्यों ने नाम दे दिया अव्यक्त। उन्होंने खुद बोला हम इसे व्यक्त नहीं कर सकते कि उस समय उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। आज के आधुनिक विज्ञान जिस एक्सपेरिमेंटल करके ये बताते हैं कि अमोनिया है, ये प्रोटीन है, उसको एक लैब में टेस्टिंग करके उस पर कैथोड रेज डालते हैं, फिर बोलते हैं कि इससे उत्पत्ति हुई, वो गलत हो जाता है। कई स्टेज पे जाके वो चीज़ गलत होती है, और लेकिन चीज़ सामने वही आती है कि अव्यक्त ही है। अब अव्यक्त में दोस्तों फिर क्या था उस समय, उत्पत्ति के समय क्या क्या था। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, अब ब्रह्म शब्द आता है ब्रह्मांड, तो जब इसका अपन संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, ब्रह्मा प्लस अंड, जो ब्रह्म प्लस अंड। तो अंड का मतलब होता है पिंड, और ब्रह्म क्या होता है, जो इस जगत को चला रहा है। ये ब्रह्म बोलते हैं मस्तिष्क को, जैसे व्यक्ति का मस्तिष्क सबसे बड़ा कार्य करने वाला अंग होता है, उसी प्रकार उत्तम अंग होता है, उसी प्रकार जिसने सृष्टि का निर्माण किया या जिस वजह से इसका निर्माण किया वो ब्रह्म है। तो सोचिए जो हम ब्रह्मांड बोलते हैं, वो एक ब्रह्मा जी का या ब्रह्म का, आप ब्रह्मा जी देवताओं में नहीं जाते हुए ब्रह्म को मानते हुए कि उसका एक पिंड है, तो सोचो कितने ब्रह्मांड होंगे इस दुनिया में, ब्रह्मांड कितने ग्रह होंगे। यहाँ तक